स्टूडेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली एक नई स्टडी जापान से सामने आ रही है और ये स्टडी के हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स उतना मिथेन जनरेट नहीं कर रहे जितना कि माइक्रोब्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अब ये क्या स्टडी है, इसके बारे में और क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, नाउ ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं खास करके मिथेन एमिशन से लेकर के, देन इंडियन इनिशिएटिव्स क्या हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेज़ प्रिलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, सो अभी एक मॉडलिंग स्टडी हुई है बेसिकली मिथेन एमिशंस को लेकर के। ये देखा गया है कि जो फॉसिल फ्यूल से जितना भी मिथेन एमिशन होता है वो 1900 से 2000 के बीच में काफ़ी डिक्लाइन किया या स्टेबल रहा है 2000 के बाद से, लेकिन जो माइक्रोब्स यहाँ प्रोड्यूस करते हैं ये ज़्यादा मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत लेटली। नाउ अगर हम इस स्टडी के बारे में थोड़ा और ध्यान देंगे तो नवीन चंद्रा जो हैं ये इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज जो कि यहाँ जापान में है, और ये जो स्टडी है वो पिछले 5 के 3 सालों से कर रहे हैं पिछले पास्ट के। इनका फोकस है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करें लास्ट के 50 सालों तक में, और ये एक सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ऐसा कर रहे हैं। ये जो कंसंट्रेशन है मिथेन के एटमॉस्फेयर में ये सब्जेक्ट रहे हैं रिसर्च का हमेशा से, और मिथेन का कंसंट्रेशन जो है ये बड़ा है। 1990 तक ये जो कंसंट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, देन अगेन ये इंक्रीज होना शुरू हुआ 2007 के अराउंड। जो करंट एस्टिमेट्स हैं सजेस्ट करते हैं कि जो अभी मिथेन के जो यहाँ लेवल्स हैं वो 300 साल पहले जो थे उसके लगभग 3 गुना ज़्यादा है, मतलब हर सेंचुरी में एक टाइम वो बड़ा है। नाउ मिथेन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंथ्रोपोजेनिक गैस है जो इंसानों की वजह से बनती है, ये CO2 के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन ये ज़्यादा प्लैनेट को वार्म करती है CO2 के कंपैरिजन में। ओवर पिछले 100 सालों में देखें तो मिथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहा है वो CO2 के मुकाबले 28 टाइम्स रहा है, 28 गुना ज़्यादा रहा है। यहाँ पर ये इवन हायर है अगर हम शॉर्टर पीरियड्स की बात करेंगे, अगर हम 20 साल के पीरियड्स की बात करेंगे वहाँ ये और ज़्यादा दिखाई देगा, ये 100 ईयर्स की बात है। नाउ यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे कि की फाइंडिंग्स इससे रिसर्च रिलेटेड कुछ हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ फोकस करते हैं मिथेन पे, लेटली काफ़ी फोकस है, और यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं जैसे ग्लोबल मिथेन प्लेज का इनिशिएटिव है जो UN क्लाइमेट टॉक्स 2021 में लिया गया था। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है अभी जो मिस्टर चंद्रा ने की है, इनकी टीम ये सजेस्ट करती है कि जो माइक्रोब्स हैं पर्टिकुलरली जो आर्के बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है मिथेनोजन, अभी हम इस बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, ये जो मिथेनोजन है ये प्राइमरी सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक मिथेन का, फॉसिल फ्यूल बर्निंग नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डिस्परेंसीज भी हैं, जैसे जो रिसर्च है ये कॉन्ट्रडिक करती है कुछ कॉमन एमिशन इन्वेंट्रीज को, ये एक डिक्लाइन दिखाती है मिथेन एमिशन में फॉसिल फ्यूल से 1990 से 2000 के बीच में। ये हाईलाइट भी करती है कि जो माइक्रोबियल सोर्सेज यहाँ हैं वो ज़्यादा मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ज़्यादातर जो मिथेन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो ये ज़्यादातर जो मिथेन है वो कैटल रियरिंग जो लैटिन अमेरिका में हो रही है वहाँ से हो रही है, वेस्ट जो साउथ साउथ ईस्ट एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यहाँ जो ग्लोबल वेटलैंड्स जो हैं जैसे जैसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो है वो मिथेन के एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं। अब मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है बेसिकली और सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट है CO2 के बाद से, CO2 सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये प्लैनेट को ज़्यादा वार्म करती है, हमने देखा था इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज़ अराउंड 28 टाइम्स ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कुछ सोर्सेज होते हैं, अगर हम इनके सोर्सेज की बात करेंगे तो साइंटिस्ट जो हैं ये अलग अलग सोर्सेज जो मिथेन के हैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दो इसमें हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है बायोजेनिक, और जो दूसरी यहाँ पे कैटेगरी आती है दैट इज़ नोन एज थर्मोजेनिक। अब बायोजेनिक और थर्मोजेनिक में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो फॉसिल फ्यूल जैसे नेचुरल गैस ऑयल इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब अर्थ के क्रस्ट से तब वहाँ से जो रिलीज होती है दैट इज थर्मोजेनिक, और बायोजेनिक वो होती है जो कि रिलीज करते हैं माइक्रोब्स। नाउ माइक्रोब जो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन को जैसे आर्किया, ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, और बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स थोड़े डिस्टिंक्ट होते हैं और इनको मिथेनोजन कहा जाता है। ये ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, O2 डेफिशिएंट एनवायरमेंट में मिलते हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक हो गए एनिमल्स के, वेटलैंड्स हैं, राइस पैडल्स हैं, लैंडफिल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, ये सारी चीज़ें। मिथेनोजन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल में, ये ऑर्गेनिक मैटर को मिथेन में कन्वर्ट करते हैं। वाइल मिथेन जो है वो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, इसका जो प्रोडक्शन करते हैं मिथेनोजन्स ये बहुत एसेंशियल पार्ट है नेचुरल इकोसिस्टम का, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, डेयरी फार्मिंग है, फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है, फर्दर हम यहाँ मिथेन एमिशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। दोनों बायोजेनिक और थर्मोजेनिक ये जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप जो हैं मिथेन के प्रोड्यूस करते हैं। अब आइसोटोप्स को ट्रैक करना बेसिकली ये मोस्ट एक्टिव सोर्स है यहाँ इनको डिटेक्ट करने के लिए, इसमें बायोजेनिक माइक्रोबियल एक्शन से जो होता है और थर्मोजेनिक जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी से होता है, तो ये फाइंड करने में यहाँ हेल्प होता है क्योंकि अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं जैसे ओशन से इतना, गैस हाइड्रेट से इतना,
वाइल्ड एनिमल एमिशन से इतना करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रूमिनेंट एमिशन है, जो ह्यूमंस बेसिकली जिनको पालते हैं उनका एमिशन जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नाउ बायोमास बर्निंग से भी काफ़ी ज़्यादा है, राइस पेडल फील्ड से, लैंडफिल से, ऑयल गैस से, कोल बर्निंग से, जियोलॉजिकल सर्फेस से, वाइल्ड फायर से इतना, टर्माइट एमिशन से इतना, तो ये यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। मिथेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्लोबल एमिशन है। सबसे पहला है मार्स। मार्स इज ऑल्सो नोन एज मिथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। ये जो डेटा है जो एग्जिस्टिंग या फ्यूचर सेटेलाइट से आता है, ये सबको एक साथ कलेक्ट करता है। उसके पास एबिलिटी है कि ये मिथेन के एमिशन को डिटेक्ट कर सकता है वर्ल्ड में कहीं भी, और नोटिफिकेशन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स या कंट्रीज को भेज दिए जाते हैं। जिसके बाद दूसरा आता है वो है ग्लोबल मिथेन प्लेज। ये जो है, ये सबसे पहले इसका जो ऑरिजिन हुआ था वो UNFCCC का जो COP26 हुआ था 2021 में, यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था ग्लोबल मिथेन प्लेज का। एंड ये मिथेन एमिशंस को कट करने की बात करता है लगभग 30% से 2030 तक, यहाँ पर 2020 के लेवल से। नाउ इंडिया जो है वो ग्लोबल मिथेन प्लेज का कोई भी पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इंडियन इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव भी एक इनिशिएटिव आता है विच इज GMI बेसिकली। नाउ जो ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव यहाँ पर है, ये इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका फोकस होता है बैक्टीरिया को रिड्यूस करने के लिए, रिकवरी या मिथेन को क्लीन एनर्जी सोर्स की तरह यूज करने के लिए। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले इनिशिएटिव में नाम आता है हरित धारा का। तो हरित धारा जो है ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये कैटल का मीथेन एमिशन जो है वो उसको 17-20% जो है वो कम कर देता है, और मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। ये एक तरीके से फॉडर है जो एनिमल को कंज्यूम कराया जाता है। नाउ इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम है, ये जो है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, इंडस्ट्री लेड वॉलंटरी फ्रेमवर्क है बेसिकली इंडस्ट्रीज की तरफ से, एनजीओज की तरफ से। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मेजर करता है, मैनेज करता है। नाउ इसके बाद आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ ये जो है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ये लॉन्च हुआ था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक के, अलग अलग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, साइंटिस्ट की, इंडस्ट्रीज की, कम्युनिटीज की, ये जो है ये क्लाइमेट चेंज का जितना भी जो थ्रेट पोज होता है ये इसके स्टेप्स देता है काउंटर करने के लिए। इसके बाद भारत का जो रिसेंट इनिशिएटिव था जिसमें हमने भारत के जो स्टेज 4 के जो नॉर्म्स थे, हमने स्टेज 4 के नॉर्म्स को स्टेज 6 के नॉर्म्स से यहाँ चेंज कर दिया है एमिशन नॉर्म्स के। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। नाउ यू टुडेस फिलिंग स्टडीज क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ रीसेंट स्टडी ऑन द मिथेन एमिशंस। द स्टडी फाउंड दैट द फॉसिल फ्यूल्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक मिथेन। The research suggests that microbial sources, particularly archaebacteria called methanogens, are producing more methane than the fossil fuels. Methane has global warming potential 28 times higher than the CO2 over a century. Choose the correct answer. You can type down in the comment section. The relative is correct or not. Then for today's main practice question, the question says, analyze the recent findings on the methane emissions from microbes and their implications for global warming. Discuss the potential strategies that countries can adopt to mitigate methane emissions from microbial sources, considering the various challenges involved. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned within Let's Try Yes for your better preparation.